हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरिंग आइडियाज़ फॉर यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओल्ड आयरन को एक न्यू लुक देने का बहुत ही इजी आइडिया, जिसमें देखिएगा आप एकदम ओल्ड आयरन को चेंज ही कर देंगे, उसका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या किया है हमने, जो पहले से टेप लगा हुआ था उसको हटा दिया है, क्योंकि जब आयरन ओल्ड हो जाती है और बीच से क्रैक हो जाती है वायर उसकी कहीं से, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर टेप रैप करते जाते हैं, तो वहाँ से वो थोड़ी थिक भी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पहले मैंने पूरे टेप को हटाया है। और फिर देखिए फिनिशिंग के साथ में फिर से टेप को रैप कर रही हूँ, क्योंकि रैप करना बहुत ज़रूरी है। वायर की लेंथ यहाँ 2 मीटर लॉन्ग है आयरन की, इसलिए इसके ऊपर जो रैप करने के लिए कॉर्ड का यूज़ करेंगे वो 16 मीटर 4 mm की कॉर्ड का यूज़ करेंगे 2 मीटर वायर के लिए। अब इसको सबसे पहले हाफ़ कर लेंगे, मींस 8-8 मीटर की कॉर्ड्स को रखेंगे एक एक साइड में, दोनों साइड में 8-8 मीटर। उसके बाद ये सेंटर हमें ईजिली पता लग जाएगी कहाँ पे सेंटर है। सबसे पहले स्टार्ट करते टाइम तो बीच में एक छोटी सी नॉट बनाएंगे और दोनों को हाफ ऑफ करके अलग अलग साइड में रख देंगे। देखिए दोनों साइड अलग अलग हो गए। अब हम आगे स्पाइरल नॉट बना के पूरी वायर को कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो सेंटर में नॉट बनाई थी उसको देखिए खोल लेंगे। अब हम स्पाइरल नॉट बनाएंगे। स्पाइरल नॉट बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, स्क्वायर नॉट भी आप सबको पता है, स्क्वायर नॉट से भी इजी होती है स्पाइरल नॉट, क्योंकि स्पाइरल नॉट में हम एक ही साइड से नॉट बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक बार बस आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। लेफ्ट वाली कॉर्ड को हम राइट के साइड में लेके आए और राइट वाली कॉर्ड को लेफ्ट वाली कॉर्ड के ऊपर रखा। और अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे से उस कॉर्ड को पास करा और पीछे से दूसरे साइड में निकाल लिया बस। और इसमें हमको क्या करना है, बस एक ही साइड से नॉट बनानी है, मींस हर बार हम लेफ्ट वाली कॉर्ड को ही राइट के साइड लाएंगे और राइट वाली कॉर्ड को लेफ्ट वाली कॉर्ड के ऊपर रखेंगे और फिर पीछे से ले जाएंगे, लूप से पास करते हुए लेफ्ट की तरफ ही आगे निकाल के टाइट कर देंगे। और फ्रेंड्स बस स्पाइरल नॉट हमारी ऐसे ही बन जाएगी। और ऐसे ही बनाते बनाते हमारी पूरी जो वायर है वो रैप हो जाएगी बस। और एक चीज़ इसमें और होती है, जो स्पाइरल नॉट हम बनाते हैं तो स्पाइरल नॉट धीमे धीमे जैसे हमारी बड़ी होती जाती है, अपने आप ये नॉट धीमे धीमे गोल गोल घूमती जाती है, तो वो लुक वाइज और अच्छा लगता है। आप इस नॉट की जगह पे यहाँ स्क्वायर नॉट भी बना सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उस नॉट का यूज़ कर सकते हैं, और भी कई नॉट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ईजिली घूम रही है, ऐसे ही ये कर्व बनता जाएगा जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे। अब देखिए जहाँ पे हमने टेप यूज़ किया था उसके ऊपर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि उसके ऊपर भी जब हम नॉट बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि इसके नीचे टेप है। और फाइनली इसका जब लुक आता है तो बहुत ही सुंदर लगती है, एकदम लुक चेंज ही हो जाता है, लगता ही नहीं है कि कितनी ओल्ड ये प्रेस लग रही थी, आपने खुद देखा स्टार्टिंग में। और अब आप देखिएगा इसका लुक एकदम न्यू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। तो देखिए हमने पूरी वायर को रैप कर लिया है। और फ्रेंड्स सिर्फ ऐसे ही रैप करते करते आप अपने चार्जर जो होते हैं, हमारे चार्जर कई बार होते हैं क्योंकि वायर डैमेज हो जाती है बीच से, उनको भी ऐसे ही सेव कर सकते हैं। जो हमारे ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, उनकी जो वायर्स होती हैं उनको भी हम इसी तरह से सेव कर सकते हैं। तो बस आपकी जो भी वायर आपके घर में कुछ ऐसे डैमेज हो रही हो उसको आप इस तरह से सेव करिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं जब हमारे घर में पेट्स होते हैं तो वो वायर बहुत ज़्यादा काटते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी हमारी जो चार्जर्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो उसको अगर आप ऐसे सेव कर लेंगे तो जल्दी डैमेज भी नहीं होगा। तो लास्ट में देखिए इसको यहाँ सिक्योर करने के लिए थोड़ी सी ग्लू लगाई है और उसके बाद इसके ऊपर से फिर से हमने नॉट बना दी है। देखिए थोड़ी सी ग्लू लगाई
और अब हम यहाँ पे फिर से नॉट बना देंगे और जो एक्स्ट्रा कॉर्ड होगी उसको कट कर देंगे। और इस तरह से आप अपने घर में रखी हुई किसी भी वायर को जो डैमेज हो गई हो, बीच से क्रैक हो गई हो, उसको अगर आप रैप कर दें तो उसकी लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, ये तो आपने देखा सिंपल स्पायरल नॉट का यूज़ किया है यहाँ पे। इसकी जगह आप किसी और नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगती हो या ज़्यादा और अच्छी लगती हो। अब देखिएगा यार लुक वाइज बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे 1 मीटर की कॉर्ड एक और ले रहे हैं और यहाँ पे अब हम बनाएंगे गैदरिंग नॉट, ताकि स्टार्टिंग से भी जो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था वायर का वो भी कवर हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो कवर करिए, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हर आयरन में अलग अलग तरह की वायर जहाँ से स्टार्ट होती है वैसे होता है, कईयों में ऐसा होता ही नहीं है। तो ये आप अपनी आयरन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे या आपके आयरन में कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप ये नॉट लगा के कर सकते हैं तो उसको भी आप गैदरिंग नॉट की यूज़ से ऐसे कवर कर सकते हैं बहुत ईजली वे में। अब देखिए बस लूप में से निकाला और जो हमारी कॉर्ड थी पीछे के साइड उससे हम खींच देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा कॉर्ड है उसको हम कट कर देंगे। और ये हमारी आयरन हो गई एकदम न्यू और रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो लगी हो अच्छी है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।